नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में निर्धारित किए हुए किसी भी जातक के आयु के ऊपर, कि किसी भी जातक का जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन के हिसाब से उस जातक की क्या आयु होनी चाहिए, जिस भी जातक का जन्म जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से किसी जातक का क्या आयु होना चाहिए। दोस्तों, हमने वार आयु के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा है जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 7 वार में से जिस भी वार में हुआ है तो उस जातक का क्या आयु होगी उसे हम वार आयु से देखते हैं। उसी प्रकार जो आज का हमारा विषय है वह राशि आयु के ऊपर है, जिसमें हम धनु राशि वाले जातक की आयु के बारे में जानेंगे और साथ ही उन जातकों के जीवन में कितनी बार अल्प मृत्यु आएगी, उनके शरीर में कितने बार कष्ट आएंगे उसे भी हम देखेंगे। अल्प मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, वैसी पीड़ा, वैसे शारीरिक पीड़ा जो मृत्यु के समान होती है, जो असहनीय होती है। दोस्तों, वैसे ज्योतिष शास्त्र में आयु के 8 भेद बतलाए गए हैं। 8 भेद, जिसे हम निसर्ग आयु, पिंड आयु, लग्न आयु, अंशका आयु, रश्मिजा आयु, चक्र आयु, नक्षत्र आयु और अष्टकवर्जा आयु कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन 8 भेदों को कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों को जानना होगा, उन चीज़ों के मान को प्राप्त करना होगा, साथ ही कुछ जटिल वैदिक मैथमेटिक्स है जिसे हमें करके तब वह सटीक आयु का निर्धारण हम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो आने वाले समय में बनाऊंगा। आज हम बात बस राशि आयु के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों, आयु के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बतला दूं कि हर राशि में टोटल 9 अंश होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार टोटल 108 चरण हो गए, 27 × 4, और यह जो 108 चरण है यह 360 डिग्री में ही विभाजित है, जिसमें यह 12 राशियां हैं। उस प्रकार देखा जाए तो हर राशि में 9 चरण होते हैं। यह चरण भी नक्षत्र के चरण ही होते हैं, जिसे हम डिग्री से और भी सटीक वे में समझ सकते हैं। पहले तो यह बात किया जाए कि राशि क्या है। जब आप जन्म ले रहे थे उस समय चंद्रमा जिस भी राशि में गोचर कर रहे थे, जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान थे, उस समय वह राशि आपकी अपनी जन्म राशि हो जाती है। साथ ही आपको चंद्रमा का डिग्री देखना है, आपका क्या नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह किस चरण में है, उस हिसाब से भी आप अपने चरण को निकाल सकते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन है, राशि के चरण को निकालने के लिए आपको देखना होगा कि उस राशि में कितने नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र के कितने चरण हैं, और उस हिसाब से आप अपने राशि के चरण को जान पाएंगे। लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको डिग्री वाइज बात बतलाता हूँ। आपको अपने चंद्रमा की डिग्री देखनी है और इससे फाइंड आउट करना है कि आपकी कौन से चरण में जन्म है। दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा धनु राशि के 0.0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक है तो आप पहले चरण में हैं। अगर आपका चंद्रमा 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक है तो आपका जन्म दूसरे चरण में हुआ है। उसी प्रकार 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा चरण है, 10 डिग्री से 13.2 डिग्री तक चौथा चरण है, 13.2 डिग्री से 16.4 डिग्री तक पांचवा चरण होता है, 16.4 से 20 डिग्री तक छठा चरण होता है, 20 डिग्री से 23.2 डिग्री तक सातवां चरण है, 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक आठवां चरण है और 26.4 से 30 डिग्री तक नौवां चरण होता है। तो आपको इस हिसाब से अपना चरण को ज्ञात करना है। आपका चंद्रमा जितने भी डिग्री में है उस हिसाब से आप देख लें कि आपका जन्म कौन से चरण में हुआ है। दोस्तों, जो धनु राशि होती है वह मेनली बृहस्पति ग्रह का पूरा अपना क्षेत्र है, जिसमें मूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 1 चरण होते हैं। जो भी जातक का जन्म धनु राशि के प्रथम चरण में हुआ है वैसा जातक बहुत ही ज्ञानी होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक धन रहित देखा गया है, जिसके पास धन ना हो, गरीब हो। तीसरा चरण वाला जातक नीच कर्म को करने वाला, और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जातक राजाओं से प्रतिष्ठा और मान सम्मान को पाने वाला होता है। पांचवा चरण में जन्म लेने वाला जातक क्रोधी देखा गया है और छठा चरण में जन्म लेने वाला जातक पुत्रवान होता है। सातवें चरण में जन्म लेने वाला जातक काम लंपट होता है। काम लंपट का अर्थ है काम भावना में आसक्त रहना,
और अष्टम चरण में जन्म लेने वाला जातक अतिशय धन का मालिक होता है। नवम चरण में जन्म लेने वाला जातक रुधिर और विकार युक्त देखा गया है, अर्थात उनके अंदर बहुत ही सारे विकार पाए जाते हैं। तो जिस भी जातक का जन्म धनु राशि में हुआ है, वैसे जातक अपने जीवन के पांचवें महीने में और तीसरे वर्ष में अपने शरीर में कष्ट को पाने वाले होते हैं। साथ ही वैसे जातक नौवें वर्ष में भी शरीर में रोग को पाते हैं। वैसे जातक जब 11 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें अवश्य ही नेत्र पीड़ा होती है, और जब 16 वर्ष के होते हैं तो उन्हें जलघात होता है, अर्थात जल से उन्हें भय होता है। इसीलिए जब वह 16 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें जल से बचाकर या बचकर रहना चाहिए। वैसे जातक जो धनु राशि में जन्म लिए हैं वह जब 23 वर्ष के होते हैं और 36 वर्ष के होते हैं तो वह रोग युक्त होते हैं, अर्थात अंग में रोग पाने वाले होते हैं। और जब वह जातक 47 वर्ष का हो जाता है और 57 वर्ष का जब होता है, साथ ही जब 67 वर्ष का होता है, तो हमें यह ध्यान रखना है 47, 57 एंड 67 वर्ष, तो जब इन वर्षों में उन्हें सर्प भय, जलघात और अल्प मृत्यु होती है, अर्थात जब 47 वर्ष के होंगे तो उनको सर्प भय होगा, सर्प काटने का भय होगा। जब 57 वर्ष के होंगे तो उन्हें जल से भय होती है या जल के कारण मृत्यु भी हो सकती है, और अगर वह बच जाए तो वह 67 वर्ष में अल्प मृत्यु को पाता है, अर्थात उनको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना धनु राशि वाले जातक की आयु के बारे में, साथ ही हमने उनके अल्प मृत्यु के बारे में भी जाना। आने वाले वीडियो में हम मगर राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राशि है या फिर आपके कुंडली में कौन कौन से अशुभ और शुभ ग्रह हैं जो आपके जीवन के बाधक और साधक सिद्ध हो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई कठिन समस्या आ रही है जिसे आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा संपूर्ण हस्तलिखित और शास्त्रों के द्वारा बताया गया रेमेडी को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं astro4u.com में, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.